आप ही के बीच में छुपे हुए ऐसे लोग जो छद्म रूप में धर्मांतरण की राष्ट्र विरोधी गतिविधियों को संचालित कर रहे हैं, लेकिन हम लोग ये मानते हैं कि ये लोग सपोर्ट कर रहे हैं। वे सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, वे सेवा की सौदेबाजी कर रहे हैं, और उस सौदेबाजी पे लगाम लगाना, उसको देखना समाज के प्रबुद्ध जनों का, समाज से जुड़े हुए जागरूक नागरिकों का यह दायित्व बनता है। यह केवल एक संगठन का काम नहीं, किसी सरकार का मात्र कार्य नहीं, बल्कि हर राष्ट्रभक्त का कार्य होना चाहिए, हर जागरूक नागरिक का कार्य होना चाहिए। और यही कार्य यहां पे टीस जैसी संस्थाएं, यहां पर दिपेश नायर जैसे नौजवानों के माध्यम से कर रही हैं, और ये अभिनंदनीय प्रयास है। मैं इसके लिए दिपेश जी आपका और आपकी पूरी टीम का हृदय से अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। आज आपको यहां पर प्रोफेसर यशवंत राव केलकर युवा पुरस्कार से आपको सम्मान किया गया, सचमुच इस सम्मान का गौरव बढ़ा है, क्योंकि छद्म रूप से जो लोग हमारे बीच में हमारे ही लोगों को तोड़ करके धर्मांतरण की राष्ट्र विरोधी गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए जिस प्रकार के षड्यंत्र कर रहे हैं, उनके एक बड़े नेटवर्क को आपने एक ब्रेकर दे दिया है अपने संस्था के माध्यम से कि नहीं, आप आगे नहीं बढ़ सकते, ये लक्ष्मण रेखा है। उस लक्ष्मण रेखा को आपने तय किया, आपकी संस्था तय कर रही है, और ये सबकी जिम्मेदारी बनती है। आज तो दिव्यांगजनों के लिए प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में 4% आरक्षण की सुविधा दी जा रही है, और 16 से अधिक कैटेगरी को इसमें लिया गया है। अगर थोड़ा भी हम उन्हें प्रशिक्षित कर लें, थोड़ा भी उनके लिए एक प्लेटफॉर्म उपलब्ध करवा लें, तो वह जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में आगे बढ़ सकते हैं। और याद करिए, प्रतिभा किसी व्यक्ति, किसी जाति, किसी मत और मजहब की मोहताज नहीं होती है, हर एक जगह छुपी हुई है। अगर ईश्वर ने कहीं कमी की है तो उसकी पूर्ति भी करता है, याद रखना, उसकी पूर्ति भी करता है। और उसकी पूर्ति में हम सब सहभागी बन पाएंगे तो ईश्वरीय कार्य होगा।